वेलकम टू लर्निंग में। कैसे हैं आप सब लोग? आज अपन अपने चैप्टर का सेकंड पार्ट दैट इज सेल्फ थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी करी। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने सेल के ऊपर और रिसर्च किया और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स डिस्कवर किए। इसी प्रोसेस में जर्मनी के बॉटनिस्ट थे जिनका नाम था जेकब मैथियस श्लीडर। इन्होंने 1838 में प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को स्टडी किया और उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी करने के बाद एक कंक्लूजन दिया कि हर प्लांट की जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो होती है सेल, जैसा कि रॉबर्ट हुक हमें बता चुके थे। इसी स्टडी के एक साल के बाद में दैट इज 1839 में एक और साइंटिस्ट आए, वो भी जर्मनी के थे बट वो एक जूलॉजिस्ट थे। वो एनिमल्स की स्टडी करते थे जिनका नाम था थियोडोर श्वान। इन्होंने सारे एनिमल्स के सेल्स को स्टडी किया और इन्होंने इंडिपेंडेंटली एक और कंक्लूजन दिया कि ऑल द एनिमल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब एनिमल्स की भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट सेल होती है। उसके बाद काफी सालों के बाद इन दोनों ने अपने अपने रिसर्च बता दिए थे। इन दोनों के रिसर्च के बाद में एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आर वर्शो। इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक में इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेल्यूले ए सेल्यूला, जिसका मतलब होता है कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से जनरेट करते हैं, मतलब एक सेल का जन्म दूसरे सेल से ही हो सकता है, इंडिपेंडेंटली कोई भी सेल अपने आप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इन्हीं तीन लोगों के स्टडीज को कंबाइन करते हुए हमने बनाई है अपनी एक सेल थ्योरी जिसमें टोटल 4 पोस्टुलेट्स हैं। इन्हीं 4 पोस्टुलेट्स को आज अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पोस्टुलेट है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जैसा कि हमें श्लीडर एंड श्वान ने बताया। श्लीडर ने कहा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से बने हैं। श्वान ने कहा जितने भी एनिमल्स वो भी सब सेल से बने हैं। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे सर्वाइव करते हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। उनकी स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? सेल। तो दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंडली वो कहते हैं कि ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सेल आर द पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब क्या हुआ? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मतलब हमें पता है क्या होता है, ऐसी रिएक्शंस जो कि या तो एनर्जी जनरेट करती हैं या फिर एनर्जी कंज्यूम करती हैं, है ना। हमने केमिस्ट्री के लैब में भी बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी कि आपने जब दो एलिमेंट्स को रिएक्ट कराया कोई एक नया प्रोडक्ट बना तो उसमें से या तो हीट एनर्जी लिबरेट हो रही है या फिर हीट एनर्जी कंज्यूम हो रही है। लेकिन क्या आप उसको मेटाबॉलिक रिएक्शन बोल सकते हो? नहीं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस और स्पेसिफिकली उन रिएक्शंस को कहते हैं जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। मतलब रेस्पिरेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दो टाइप की होती हैं, कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक, जिसमें कि हीट या तो इवॉल्व हो या फिर हीट कंज्यूम हो। हीट इवॉल्व और हीट कंज्यूम नॉर्मली भी हो सकती है बट उसको मेटाबॉलिक नहीं कहते। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इनका कहना था कि एक सेल में हमारी बॉडी में जितनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना, जैसे डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया या फिर सर्कुलेशन हो गया, जितनी भी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के अंदर हो रही हैं, तो इधर दे आर कंज्यूमिंग एनर्जी और दे आर लिबरेटिंग एनर्जी। ऑल दीज प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द सेल ऑल्सो। जो प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हो रही हैं सेम प्रोसेसेस एक सेल के अंदर भी होती है, ठीक है। दिस वॉज द सेकेंड पॉइंट। Now, the third point is, all cells arise from pre-existing cells. ये किसने बोला था? आर वर्शो ने। इन्होंने 1855 में ये चीज बताई थी। मैंने आपको बताया एक टर्म बोला था इन्होंने ओमनिस सेल्यूले ए सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि सेल जो है वो एक दूसरे सेल से ही बनता है। मतलब एक सेल है, ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड करके दो सेल्स बनाएगा, ये दो सेल्स डिवाइड होकर चार सेल्स बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से डिविजन होता है। कोई एक सेल ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट में अपने आप नहीं बन जाता। डेफिनेटली हमें ये नहीं पता कि जो फर्स्ट सेल बना होगा उससे पहले कोई सेल नहीं होगा, तो जो दुनिया का पहला सेल होगा वो कैसे बना होगा ये अभी तक हमें नहीं पता। बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, स्टिल एक एग्जैक्ट आंसर हमें अभी नहीं पता चला है। बट इन्होंने जो स्टडीज करी और इन्होंने जो कंक्लूजन दिया वो यही था कि कोई भी सेल जब बनेगा तो वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा उसी के डिवीजन से बनता है, ठीक है। दिस वॉज द थर्ड पॉइंट। नाउ द लास्ट पॉइंट इज एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ एज अ सिंगल सेल। हर ऑर्गेनिज्म अपनी जिंदगी की शुरुआत एक छोटे से सेल के साथ करता है, उसी का फर्दर डिवीजन होता है और एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म बड़ा सा बन जाता है।
ह्यूमन बींग्स भी जब बॉर्न होने वाले होते हैं तो हमें पता है ह्यूमन बींग्स का जब फॉर्मेशन होता है वूम के अंदर तो क्या होता है, एक स्पर्म होता है, एक ओवम होता है, दे फ्यूज एंड दे फ्यूज एंड फॉर्म्स अ जाइगोट। जाइगोट को हम एक सिंगल सेल ही बोलते हैं, ठीक है। वही जाइगोट जब डिवाइड होता है इसके बाद वो पूरा एक बेबी नया डेवलप करता है। तो यही चीज थी कि जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म बनेगा तो हमेशा एक सेल से उसकी जो बिगनिंग है वो एक सेल से होगी, वही सेल डिवाइड करके पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो दीज वर द फोर पोस्टुलेट्स व्हिच वाज गिवन बाय श्रीडन श्वान एंड आर वर्शॉप। इसी को हम बोलते हैं सेल थ्योरी। तो जब आपको अगर एग्जाम्पल लिखने को आता है तो अभी आपको ये फोर पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, इनके ईयर्स बताने पड़ेंगे और इनके नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे दूसरी वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में एक चीज और बताना चाहूंगी मैं। हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, एक चीज छूट गई थी, वो था सेल का साइज, शेप और सेल का नंबर। हमें पता है कि नॉर्मली अगर आप विजुअलाइज करते हो एक सेल को तो आप क्या सोचते हो कि सेल होगा एक स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर होगा, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार सेल स्फेरिकल स्ट्रक्चर का ही हो। डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस ऑर्गेनिज्म में है, कि किस एक ऑर्गन का पार्ट है, उसका शेप वेरी कर सकता है। जैसे कि हमने अमीबा देखा, अमीबा का कोई स्ट्रक्चर होता है क्या? नहीं, रैंडमली कोई भी स्ट्रक्चर आप अमीबा बना देते हो। पैरामीशियम स्लिपर शेप्ड होता है ना। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आप डिफरेंट ड्रॉ करते हो। लिवर सेल्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होगा। आपके न्यूरॉन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर आपने देखा है ऐसे एलोंगेटेड होता है, डिफरेंट होता है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं जिनके स्ट्रक्चर जो है वो बहुत अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। सिमिलरली अगर हम साइज की बात करें तो हमें पता है नॉर्मली हम बोलते हैं कि सेल माइक्रोस्कोपिक होते हैं जिनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है। सेल माइक्रोस्कोपिक से लेकर नेकेड आई से विजुअलाइज करने वाले तक के भी होते हैं। आपने लार्जेस्ट सेल के बारे में पढ़ा होगा, दैट इज एन ऑस्ट्रिच एग का जो सेल होता है वो 15 सेंटीमीटर तक का हो सकता है, जिसको आप नेकेड आई से देख सकते हो। जबकि बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, उनको आप नॉर्मल कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, उनके लिए आपको बड़े मैग्निफिकेशन के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उनको स्टडी करने के लिए। तो सेल जो होता है वो डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनिज्म एंड प्लेस कि वो कहाँ पे है उसका साइज भी वेरी कर सकता है। सिमिलरली नंबर, कि नंबर ऑफ सेल्स किसी ऑर्गेनिज्म में कितने होंगे। अब जैसे हो सकता है कि मेरे अंदर सपोज कुछ 1 trillion सेल्स हैं, बट अगर मेरे हाथ को बड़ा कर दो या फिर आप मेरा हाथ छोटा कर दो तो नंबर ऑफ सेल्स कम ज्यादा हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म कि ऑर्गेनिज्म छोटा है या फिर बड़ा है, इस पे भी नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करते हैं। एक छोटा सा हाथी होगा तो उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, बड़ा हाथी होगा उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स दिए हुए हैं जिनके शेप एंड साइजेस अलग अलग हैं। चलो अब बाकी की बातें अपन करेंगे बाद में, नेक्स्ट वीडियो में अपन और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय।